ईयर न्यू मी, जब साल नया है तो मुझे भी तो नया होना होगा. एंड समटाइम्स वी सी दैट चेंज इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. जैसे बहुत ही फेमस केस स्टडी है कोडक की. कोडक के कैमरा आया करते थे, रील वाले कैमरे आया करते थे, उसमें 36 फोटो आप खींच सकते हैं. और इस तरह से कोडक कैमरा ने बहुत बहुत सारे पैसे कमाए. लेकिन जब डिजिटल कैमरा आया था तो डिजिटल कैमरा के हिसाब से वो अपने आपको अडॉप्ट नहीं कर पाए, बल्कि कहने कहीं कह रहे थे नहीं 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 वी आर डूइंग सच अ गुड बिजनेस, हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है. धीरे धीरे करके कोडक इज नॉट द कैमरा, उसके बाद आगे डिजिटल कैमराज और डिजिटल कैमरा. इनफैक्ट डिजिटल कैमरा कोडक ने ही बनाया था, लेकिन उसको लॉन्च नहीं किया क्योंकि पिछले वाले से इतना बढ़िया प्रॉफिट आ रहा था कि आगे अपने आपको वो अडॉप्ट नहीं कर पाए. तो अपने आप को जब चेंज नहीं किया तो 2012 के अंदर कोडक कंपनी ने अपने आप को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया. सो कहीं ना कहीं लाइफ में हमको रेडी रहना चाहिए चेंज के लिए. वी शुड बी रेडी फॉर द चेंज. चेंज हालांकि चिल्लर तो लोगों के पास होता ही है, वी हैव अ लॉट ऑफ चेंज, लेकिन इसके अलावा भी चेंज होता है ऑफकोर्स. या सो पर ये चेंज है, इसके लिए इंस्पिरेशन निश्चित रूप से अंदर से आना चाहिए. मोर इट इज फ्रॉम इनसाइड, तो ये जो चेंज होता है ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है. एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कि एक कमरे में बहुत सारे बंदर रखे गए थे, और ये बंदरों के साथ ये था कि बंदर आसपास हैं और ऊपर वहां पर दिवाज ओके ऊपर से साउंड चला गया मेरे ख्याल से. सो ऊपर दिवाज स्टैंड और ऊपर कुछ केले रखे थे. अब बंदरों को तो मन करता है कि हम केले खाएं, राइट? तो केले खाने के लिए जब भी बंदर उनमें से कोई भी एक ऊपर जाता था तो क्या होता था, आसपास शावर लगे हुए थे तो सबके बाकी बंदरों के ऊपर पानी डाल दिया जाता था. तो बंदरों को समझ में आ गया अगर कोई सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता है केला लेने के लिए तो बाकियों के ऊपर पानी गिरता है, तो इसलिए कोई ऊपर जाएगा ना उसको नीचे खींचना है, क्योंकि नहीं तो बाकियों के ऊपर पानी गिरेगा. तो इससे कोई ऊपर जाता है तो उसको नीचे खींच देता. अब सब में प्रोग्रामिंग यही होगी, ये कल्चर आ गया सबके अंदर कि अगर कोई बंदर ऊपर जाएगा सीढ़ी चढ़ेगा केले की ओर तो इसलिए उसको नीचे खींचना है. ये होता रहा. तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, उसमें से ना एक बंदर को रिप्लेस कर दिया और नए बंदर को डाल दिया. अब नए बंदर को नहीं पता कि ना अगर ऊपर केले के पास जाओ तो पानी गिरता है, तो इसने ऊपर केले देखे, ये ऊपर चढ़ने लगा तो बाकी जो बंदर थे उन्होंने पकड़े नीचे कर दिया. ठीक है यार, नीचे हो गया. ऐसे करके थोड़े समय बाद एक और बंदर रिप्लेस हो गया, नया बंदर आ गया, फिर एक और बंदर रिप्लेस हो गया, एक और बंदर आ गया. इस तरह से धीरे धीरे करके सारे बंदर रिप्लेस हो गए. जब सारे बंदर रिप्लेस हो गए अब उनको नहीं पता कि नीचे क्यों खींचना है, लेकिन पहले वाले लोग करते आ रहे हैं तो ये भी कर रहे हैं कि अगर वो ऊपर चढ़ेगा उसको नीचे खींचना है, नॉट नोइंग कि अगर ऊपर जाएंगे तो पानी गिरेगा. अभी उनको पानी का नहीं पता. तो उन्होंने ये चेंज लिया लेकिन इसके पीछे स्पिरिट नहीं थी. तो इसलिए कभी कभी हम लोग भी ऐसे चेंजेस लाइफ में लेकर के आते हैं लेकिन ना उन चेंजेस के पीछे स्पिरिट नहीं होती. अब जब स्पिरिट नहीं होती तो ऐसे चेंजेस क्या होते हैं, बड़े रिचुअलिस्टिक होते हैं, उनमें जान नहीं होती. सो वी शुड नो वाई अ सर्टेन चेंज इज रिक्वायर्ड इन माई लाइफ. जितना बड़ा आपका वाई होगा, WHY, जितना बड़ा ये वाई होगा उतना ज्यादा आपको उस चेंज को लाने में डिटर्मिनेशन आएगी. यू आर मोर डेस्परेट टू मेक दैट चेंज टू हैपन, क्योंकि आप जानते हो वाई वो कितना ज्यादा जरूरी है. सो किस तरह के चेंजेस हमें लाइफ में लेके आने चाहिए. सबसे पहला जो चेंज हमें लेकर के आना चाहिए वो है पर्सपेक्टिव्स का, दृष्टिकोण का. जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी. जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो अपने दोस्त के साथ जा रहा था, चल रहा था, चलते चलते क्या हुआ, उसके सर पे बीट गिरी. तो उसने कहा प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद. तो उसके दोस्त ने बोला यार तेरे सर पे बीट गिरी है, और तू कह रहा प्रभु बड़ा धन्यवाद, ये क्या बात है. तो उसने कहा कि ना मैं भगवान का धन्यवाद दे रहा हूं कि भगवान ने हाथियों को पंख नहीं दिए. अगर हाथियों को पंख दिए होते और हाथी ने अगर काम किया होता तो हमारे तो समाधि यही बन गई होती. So, यहां पर क्या है, दिस इज पर्सपेक्टिव. एक कंपनी ने एक जगह पर अपने सेल्समैन को भेजा कि आप जाके देखे आओ कि वहां मार्केटिंग की कितना स्कोप है, वहां क्या लोग जूते लेंगे नहीं लेंगे. तो के एक तीर्थ स्थल था, तीर्थ स्थल में वहां पर साधु लोग थे, वहां नंगे पांव घूम रहे थे सबके सब. तो उसे देखा कि ना वह यहां तो कोई जूते पहनता ही नहीं है. तो उसे जाके अपने मार्केटिंग हेड को बताया कि सर यहां पर तो जूते चलने वाले नहीं है, रीजन बीइंग यहां लोग जूते पहनते ही नहीं है. सो मीनवाइल उन्होंने एक और बंदे को भेजा एनालिसिस करने के लिए मार्केट का. उसने कहा सर यहां तो बहुत जूते बिकेंगे क्योंकि यहां पर तो कोई जूते पहनता ही नहीं है. एक ही मार्केट है लेकिन देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है. उस तरह से हमारे श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो अक्सर क्या करते थे, वो टाइपराइटर पे टाइप करते थे.
इंग्लिश की भगवदगीता को उसको टाइप करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन करना है, सो इंग्लिश में वो टाइप क्या करते थे। लेकिन उनका टाइपराइटर चोरी हो गया वहाँ पर, क्योंकि अब एलएसडी मैरिजुआना लेने वाले हिप्पी लोग हैं। मैं देखा भाई स्वामी जी का टाइपराइटर बड़ा बड़ी बड़ी दिख रहा है, इसको भेज दूंगा, उसके बाद फिर लाइन खींचूंगा। सबसे सीधी लाइन पता कौन खींचते हैं? चर्सी लोग। सबसे सीधी लाइन ज्योमेट्री में इतनी बढ़िया लाइन और कोई नहीं खींचता। तो एक चर्सी ने देखा कि यार स्वामी जी का टाइपराइटर बड़े काम आएगा, इसको भेज देता हूँ, फिर मैं एलएसडी मैरिजुआना लूंगा, हेरोइन लूंगा, मेरी हीरोइन तो कोई नहीं है, सबसे हेरोइन ले लूंगा। लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने इसमें क्या सोचा कि ओ ये मेरा टाइपराइटर चोरी हो गया है, सो मे बी इसमें कोई कुछ बढ़िया होना है भगवान की इच्छा से। सो उसी वक्त ना एक उनका डिसाइपल लेकर के आ गया डिक्टाफोन, यानी जिसे बोल करके रिकॉर्ड करते हैं। और जब डिक्टाफोन आया तो डिक्टाफोन में ही स्टार्टेड रिसाइटिंग द ट्रांसलेशन, और उसका फिर उसको सुन करके डिसाइपल्स वुड ट्रांसक्राइब। इस तरह से द होल थिंग बिकेम मच मोर फास्टर। इफ ही कुड राइट मोर देन 80 बुक्स, इट वॉज बिकॉज नाउ डिक्टाफोन में वो रिकॉर्ड करते हैं तीन घंटा। टाइपिंग इज वेरी स्लो, लेकिन पर्सपेक्टिव क्या है कि अगर इसमें हुआ है, ऐसा हुआ है, सो यू चेंज द पर्सपेक्टिव कि इसमें भला भला क्या होगा, इसमें अच्छा क्या हो सकता है। यस, पर्सपेक्टिव चेंज होना। लाइक वंस देयर वाज वन लेडी, शी केम टू अस और बहुत दुखी थी, तो हमने उसको थोड़ी काउंसलिंग भी की उनकी हाल की, बट शी वाज स्टिल वेरी सैड। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा आपको भगवान से गुस्सा? कहते हाँ मैं भगवान से बहुत गुस्सा हूँ। क्यों आप गुस्सा क्यों? तो मेरा पति छीन लिया उन्होंने, मेरा पति छीन लिया, मैं किसी को देखती हूँ अगर उसका पति है तो मुझे दुख होता है, मेरा पति तो मर गया ना, मेरा तो पति तो भगवान ने ले लिया ना। अब हालांकि ऐसा नहीं भगवान को कहीं वहाँ पतियों की कमी पड़ी हुई है तो भगवान ने कैसे छीन लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं है हालांकि, पर उनका ऐसा ही भाव था कि अब मेरा पति छीन लिया भगवान ने, भगवान को और कोई काम तो है नहीं, बेरोजगार आदमी बेचारा वो क्या करता है, पति छीने का काम है उसका। तो फिलहाल उनका ऐसा मानना था कि पति छीन लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई तीन चीज बताइए जिसके जिसके लिए आपके मन में ग्रैटिट्यूड है भगवान को लेकर के। ये तीन चीजें वैसे, हेल्थ अच्छी रही, माता पिता अच्छे रही, एजुकेशन अच्छी रही, डन, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, रोष किस चीज का है? रोष इसी चीज का है, मेरे मेरा पति छीन लिया भगवान ने, और क्या नहीं तो। अच्छा ठीक है, अच्छा पति छीन है तो खैर वाकई में बुरी बात है, बहुत दुख की बात है। अच्छा लेकिन इससे अच्छा क्या हुआ? लेकिन वैसे उसने सोचा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, इससे अच्छा क्या हुआ? इससे अच्छा ये हुआ, आई हैव बिकम स्मार्टर देन बिफोर। पहले मैं सिर्फ घर में ही रहा करती थी, लेकिन जब पति नहीं है तो आना जाना अब जो होगा वो तो अब मुझे वो करना पड़ेगा, सारी दुनियादारी मेरे को संभालनी पड़ेगी। अब क्योंकि मेरे को संभालनी पड़ेगी, सो आई हैव बिकम स्मार्टर देन बिफोर। मेरे को कोई रोक टोक नहीं है, अगर मैं कभी मंदिर भी आती हूँ अगर, तो रोक टोक नहीं है कि पति बोले कहाँ जा रही तू, मीरा बाई की औलाद, घर बैठ, चकला बेलन, रोटी बना, पराठे बना, खिला मेरे को। ये दादागिरी करने के लिए कोई है नहीं, अब तो मेरी दादागिरी है, मैं ही जाती हूँ, मैं सेवा भी कर लेती हूँ, जो करना है कर पाती हूँ, सो दैट मीन्स अच्छा भी हुआ ऐसे कुछ। मैं इसके लिए कभी आपने सोचा कि जो बुरा हुआ उसमें भी कुछ अच्छा हुआ? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, पर एक्चुअली ऐसा भी होता है लाइफ में, व्हेन वी चेंज आवर पर्सपेक्टिव्स उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। लाइक कौशल्य जी थी, उनके पति दशरथ महाराज हैं, हालांकि उनसे भी बहुत स्नेह करते थे, लेकिन कैकेयी से ज्यादा करते थे, क्योंकि कैकेयी बहुत सुंदर थी इसलिए। तो इसलिए कौशल्य जी ने सोचा कर अब ठीक है, मैं वैसे भी काफी टाइम हो चुका, बच्चे हमारे बड़े हो चुके हैं, सो शी चेंज द पर्सपेक्टिव। उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया, उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव क्या चेंज किया कि दैट आई विल स्पेंड मोर टाइम इन गुरुकुल, और इस तरह से गुरुकुल में टाइम बिताया करती थी वो। और उनके गुरुकुल में जानते कितने बच्चे थे? 10,000 बच्चे। 10,000 बच्चों को कौशल्या मैया उनको स्नेह देती थी, उनको शिक्षा दिया करती थी, एंड शी इज द गुरु ऑफ ऑल दीज चिल्ड्रन। अब अगर पति टाइम नहीं दे रहा, सो व्हाट, नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसलिए हम जब पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं तो उससे हमारे एक्शन चेंज होते हैं, हमारी हमारी लाइफ चेंज हो जाती है पर्सपेक्टिव चेंज करके। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी शुड चेंज, विच इज पर्सपेक्टिव। यस, कभी कभी ना हम डार्क साइड को देखे जा रहे होते, देखे जा रहे होते, हमको लगता बस डार्क ही है बस सब कुछ, लेकिन उसके एक फ्लिप साइड भी होती है, दूसरी साइड भी होती है, विच इज वेरी ब्राइट साइड। सो ब्राइट साइड को हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे तो हम डार्क 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 वही दिख रहा होता है, बट देर इज ऑलवेज अ ब्राइट साइड टू द डार्क साइड, एंड देर इज ऑल्सो डार्क साइड टू द ब्राइट साइड।
हर ब्राइट साइड की भी एक डार्क साइड होती है, जितनी भी ग्लैमरस चीजें हैं दुनिया के अंदर चकाचौंध वाली चीजें हैं ना, उनके पीछे कहीं ना कहीं थोड़ी डार्कनेस भी होती है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, बड़ी चकाचौंध इंडस्ट्री है, उसके पीछे डार्कनेस भी है, ईर्ष्या, द्वेष, इनसिक्योरिटी, दैट इज ऑल्सो देयर। फैशन इंडस्ट्री है, उसके पीछे भी इनसिक्योरिटी है कहीं ना कहीं, और भी बहुत कुछ है या जो मैं नहीं बता सकता, लेकिन है। सो दैट्स अ डार्क साइड। सो इन दिस वर्ल्ड बिहाइंड एवरी डार्क साइड देयर इज ब्राइट साइड, एंड बिहाइंड एवरी ब्राइट साइड देयर इज ऑल्सो डार्क साइड। और यूजली लोग दुखी हो रहे होते हैं बिकॉज देयर इज डार्क साइड इन माई लाइफ, तो बट नो, वी हैव टू जस्ट एक्सप्लोर। तो इसलिए कहना ना कि पर्सपेक्टिव चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि जब थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा कि आपने 500 बार ट्राई किया लेकिन आपका बल्ब नहीं जला, आपको कैसा लगा? सो थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा, वेल आई लर्न 500 न्यू वेज, बल्ब कैसे नहीं जलता मैंने सीखा। पर ये भी क्या है, एक पर्सपेक्टिव है वास्तव में। सो वी हैव टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव, दैट्स आवर फर्स्ट थिंग। ठीक है जी, ओके। नाउ सेकेंड इज चेंज ऑफ हैबिट्स, आदतें बदलना। आदतों को बदलना भी बहुत जरूरी होता है। आदतें होती हैं कि ना, शुरू शुरू में दे आर लाइक कॉबवेब्स एंड देन दे बिकम लाइक आयरन कॉर्ड्स। जो कॉबवेब होता है बड़ा सॉफ्ट होता है, उसमें हम देखो इट्स वेरी सॉफ्ट। तो शुरू शुरू में आदतें कमजोर होती हैं, लेकिन जब हम आदतों को जीते रहते हैं बार 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 बार, तो उसका परिणाम ये निकलता है कि फिर वो आदतें बहुत गहरी हो जाती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि बुढ़ापे में जाकर के लोगों की आदतें चेंज नहीं होती, दे डू नॉट चेंज। मुझे याद है एक समय व्हेन आई वाज वर्किंग, सो मैं जब घर आया तो वहां पर एक भाई साहब थे, उनका देखो बेटा क्या तुम हरे कृष्णा हो गए जवानी में, तुम्हारे हाथ में गर्लफ्रेंड का हाथ होना चाहिए था, क्या तुम ये हरे कृष्णा कर रहे हो बेटा, देखो ये इस्कॉन वाले ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया, ठीक है तो इससे सुधर जाओ बेटा। अरे कहा अंकल, आज आपने मेरा मार्गदर्शन किया इतना अच्छा, सो गुड। तो मैंने कहा ये फिर ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह कब करनी चाहिए? देखो बेटा ये सब बुढ़ापे में करते हैं। मैंने कहा तो अंकल आपकी उम्र कितनी है? कहता है यही कोई 55 साल। मैंने कहा तो अंकल यानी आप जवान तो आप रहे नहीं, राइट? तो आज से ये मेरी हरे कृष्णा की माला आपकी और आपकी सिगरेट ये मेरी। मैंने कहा नहीं नहीं ये माला वाला से दूर रखो भाई। सो ही कुड नॉट चेंज हिज हैबिट, रीजन बीइंग अब आदत गहरी हो चुकी है। भाई साहब 20-25 साल से अब सिगरेट फूंक रहे हैं, अब अंदर जो इकट्ठा किया उसे जल्दी मरना भी है इनको आफ्टर ऑल। सो इसलिए ही वुड कीप इन्वेस्टिंग इन दैट। तो इसलिए अक्सर आदतें लोग चेंज नहीं कर पाते, लेकिन हमें आदतों को भी चेंज करना होता है। आदतें भला कैसे चेंज होती हैं? आदतों को चेंज करने के लिए संगति इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक समय एक चोर था और इसको चोरी करने की आदत, और चोरी करना कहना कि एक एडवेंचर होता है एक तरह का, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि चोरी करने में सफल रहते हैं। जैसे अगर आप फ्रिज में से गाजर का हलवा चुराने में कई बार सफल रहे हैं, तो आपको भले ही माँ गरम गरम हलवा दे, लेकिन फिर भी स्वाद तो तभी आता है जब अगल बगल में देख करके, फ्रिज खोल करके, उसमें से निकाल करके, उसको बराबर करके। भाई सबूत भी तो मिटाने होते हैं, राइट? इसका अपना एडवेंचर है, चोरी करने का एडवेंचर। तो चोरी करी गाजर का हलवा खाना, स्पेशली सर्दी के दिनों में, तो वाओ क्या बात है जी। सो आदत ही है इस चोर को भी चोरी करने की, और कहीं ना कहीं अभी चोरी करता था बिकॉज इट वॉज लाइक मोर ऑफ फन एडवेंचर। तो एक समय चोरी करके भाग ही रहा था, इसके पीछे पुलिस भी थी। अभी भागते 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 ये जाके साधु संत लोग थे उनमें जाके ये घुल मिल गया, उनके साथ भी करना शुरू कर दिया, जय हो, तो ये उनके साथ निकल गया और इस तरह से बच भी गया, बच गया। लेकिन पुलिस वाले वहाँ ढूंढते रहे स्कॉटलैंड यार्ड, तो सो दे वर सर्चिंग की कहाँ चला गया वो, वेयर इज दैट गाय। लेकिन अब ये साधु संतों के साथ ही रहा करता था, अपना चोला वोला ओढ़ करके उनके साथ ही रहा करता था। अब उनके साथ रहते 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 उनकी आदतें भी देखता था, उनके उनके जैसे सुबह उठना भी करता था, उनके जैसे भक्ति भजन भी करता था, वो सब करता था। अब ये करते 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 इसकी जो आदत थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़नी शुरू हुई। अब हालांकि आदत चेंज हो रही थी, लेकिन फिर भी आदत क्या है, सरफेस पे फिर भी एक दिन आई। सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठ गया वो, उसने देखा बहुत सारी पोटलियां पड़ी हुई हैं, साधु लोग सब सोए हुए हैं, तो हो जाए तो उसने सारी पोटलियां ली, पोटलियां लेकर के वो भाग गया। तो सुबह सुबह साधु लोग उठे, भगवान को प्रणाम करके सब उठे, कहते भाई पोटली पोटली कहाँ है? क्या तुम्हारी तुम्हारी मेरी भी नहीं है, कहाँ गई है?
तो तभी जो है ये चोर आ गया, कहते ये लो जी सारी आप लोगों की पोटलियां। कहते अरे देखो लगता है कोई चोरी करके भाग गया था, ये पकड़ के लेकर के आ गए। बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत बहुत। लेकिन इस चोर ने कहा एक्चुअली बताऊं ये किसने चुराई। कहते कहां किसने चुराई। कहते मैंने चुराई। ये तुमने चुराई, लेकिन तुम तो लेकर क्या बेटा, इतनी शराफत तुम्हारे में कैसे आ गई बेटा, हमें लगा तुम तो नवाज शरीफ हो, लेकिन तुम तो बहुत शरीफ निकले। तो उसने कहा मैं एक्चुअली वैसे तो नवाज शरीफ ही था, मैं बदमाशी था, लेकिन आप लोगों की संगति में ऐसा प्रभाव पड़ गया मेरे ऊपर कि मेरी जो आदत है ये कमजोर पड़ गई। और एक्चुअली ऐसा होता है, हमारी अगर संगति अच्छी होती है तुम्हारी आदतें चेंज होती हैं। कभी कभी हमारे यहाँ मंदिर में हम लोग यूथ कैंप भी करते हैं, और ऐसे बच्चे जो कि रात को 12 1 बजे 2 बजे नेटफ्लिक्स में मूवीज देख देख के ही सोते हैं, और फिर सुबह 7 8 9 बजे ही उठते हैं, लेकिन हमारे जहाँ यूथ कैंप लगता है तो ये भले कितने बजे सोए लेकिन 4 बजे उठे होते हैं। 4 बजे उठ के एक बहुत बड़ा काम करते हैं, नहा लेते हैं, टेक बाथ, और वो खुद भी हैरान हो रहे थे। तो पता मैं आज 4 बजे उठा और मैंने शरीर को पानी से स्पर्श कराया, वाओ। तो वो चीज जो हमने कभी नहीं की होती वो हम कर पाते हैं संगति में, और जो हमारे पुराने पैटर्न्स बने हुए हैं, गहरे पैटर्न्स बने हुए हैं, वो टूटते हैं संगति में। ऐसा होता है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं आपकी आदतें बदलें, तो आदतों को बदलने का जो तरीका है वो है कि हमें नई आदतें बनानी चाहिए जो कि पुरानी आदतों से लड़े और उनको डिस्ट्रॉय कर दे। वी शुड नॉट फाइट विद बैड हैबिट्स, वी शुड क्रिएट न्यू हैबिट्स, एंड दोज न्यू हैबिट्स वुड फाइट विद दोज बैड हैबिट्स। इस तरह से हमको बैड हैबिट्स को जीतना चाहिए। आई फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बैड हैबिट है से वॉचिंग समथिंग ऑन मोबाइल फोन, रिप्लेस इट विद अ न्यू हैबिट। इट कैन बी रीडिंग, इट कैन बी प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रिप्लेस इट विद अ न्यू हैबिट। अब जब नई हैबिट आती है तो पुरानी हैबिट अपने आप ही एग्जिट मार जाती है। तो इस तरह से वी आर टू क्रिएट न्यू हैबिट्स। और साथ ही हमें क्या करना चाहिए, हमारे ईश्वर प्रभुपाद जी बोला करते थे, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। बड़ा सोचो और छोटे से शुरुआत करो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी आदतें चेंज करनी है तो इसलिए आपको बड़ा सोचना चाहिए लेकिन छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज है सर्दी के दिनों में, गज्जक और रबड़ियों के ये वंडरफुल डेज, रजाइयों के दिन, इनमें सुबह जल्दी उठना बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन ये आदत भला हम कैसे लेकर के आए आपके अंदर, अपने अंदर, कि हम सुबह जल्दी उठ सकें। सो थिंक बिग। अगर आप ये सोचते हैं कि अब बस कल से ना 4 बजे, और हो सकता है फिर आप अगले दिन 4 बजे उठ भी जाएं, लेकिन उसके अगले दिन वापस 8 बजे, अरे नहीं होता भाई, घर वाले उठा उठा के पक जाते हैं, उठ जा पुत्र, उठना नहीं है, उठ जा, कब उठना है, दैट्स इट। सो थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल, यानी कि बड़ा सोचना चाहिए लेकिन शुरुआत छोटे से करनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप 8 बजे उठते हैं तो हम अगले 2 हफ्ते उठेंगे 7:30 बजे, उसके बाद फिर 7 बजे, फिर 6:30 बजे। इन दिस वे वी शुड ब्रिंग ग्रेजुअल चेंज। एनीथिंग विच इज ग्रेजुअल इज मोर सब्सटैंशियल, एनीथिंग विच इज ग्रेजुअल इज मोर सब्सटैंशियल। तो इसीलिए सब्सटैंशियल ग्रोथ की ओर हमें जाना चाहिए। साथ ही अगर कोई चीज करने की ना आपको प्रेरणा नहीं मिल रही, इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, आपको मन नहीं कर रहा वो चीज करने का, तो फिर क्या करना चाहिए, उसको रिचुअलिस्टिकली करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, रिचुअलिस्टिकली। अगर आप उसको रिचुअल में करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे करके, वो स्पिरिचुअल यानी कि वो आपके हार्ट से आना शुरू हो जाता है। तो हम सोचे चलेंगे शुरू से एकदम हार्ट से आएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे कि बच्चे स्कूल जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होते, उनके माता पिता खींचे लेके आ रहे हैं और रो रहा होता है, और माता पिता थैर थैर दो लगाते हैं उसको, फिर लेके जाएंगे, और पर धीरे धीरे करके उसमें टेस्ट आ जाता है स्कूल जाने का, और जब बच्चे फिर जाना स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। हालांकि अभी ये कोविड का जो समय था तो अब सारा जूम पे क्लासेस चलती हैं, लेकिन आप घर पे हालांकि शुरू शुरू में इट वॉज पिकनिक जोन, लेकिन धीरे धीरे बच्चे ही पक लिए, कहते हैं अब तो अब स्कूल खुल जाए, हो गया 1.5 साल 1.5-2 साल जितने आलस के जितने रिकॉर्ड तोड़ने थे हमने तोड़ लिए, अब चलो। बट वंस देयर इज अ टेस्ट वी स्टार्ट डूइंग इट अगेन एंड अगेन, तो हम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आदतें इस तरह से चेंज होती हैं। आदतों के लिए क्या करना चाहिए हमें, थिंक बिग
बट स्टार्ट स्मॉल। साथ ही संगति ये भी हमें बहुत हेल्प करती है, और साथ ही इन केस यू आर नॉट फीलिंग दिस दैट अ सर्टन एक्टिविटी इज नॉट कमिंग फ्रॉम द हार्ट, यानी कि स्पिरिचुअलिस्टिक नहीं हो रही, तो उसको रिचुअलिस्टिकली करना शुरू कर देना चाहिए। रिचुअल इज ड्राई, रिचुअल इज मैकेनिकल, रिचुअल के अंदर जो है जान नहीं होती, लेकिन रिचुअल करते 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 उसमें स्नेह भी आ जाता है। जैसे पहले शादी हुआ करती थी ऐसे होती थी, ये बबलू है ये पिंकी है, दोनों की शादी हो गई, छोटे बच्चे अभी दोनों की शादी करा रही, कहता बबलू ठीक है बेटा पिंकी के अलावा सोचना इधर किसी के बारे में, ठीक है बेटा पिंकी तुम्हारा खसम है इसका नाम बबलू है, ठीक है बेटा अभी अपने अपने घर चले जाया करते थे। नाउ अब बच्चे अब सो अपने अपने घर चले गए, अब उसके बाद फिर वेन वन से बिकम लाइक 18, 19, 20 जो बड़े हो जाएंगे एडल्ट हो जाएंगे देन दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर। अभी तक इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ ये है ओके बबलू मेरा खसम है पिंकी मेरी जोरू है, और फिर दोनों साथ रहना शुरू करते हैं, और अभी दोनों में कोई फीलिंग्स नहीं एक दूसरे के लिए, लेकिन जैसे ही एक दूसरे की सेवा करना शुरू करते हैं, ये उसके लिए कमाता है उसकी उसकी इच्छाओं का ध्यान रखता है रखता है, ये उसके लिए पराठे बनाती है, उसके लिए पिज्जा बनाती है, बर्गर बनाती है, गड़बड़ बनाती है, जो बनाती है उसके लिए, लेकिन इस तरह से एक दूसरे की सेवा करते 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 स्टार्टेड विद विद अ रिचुअल, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ इसके अंदर इमोशंस भी आते हैं, फीलिंग्स भी आती हैं, सो इट ऑल इज देयर। तो इसीलिए हम सोचे शुरू से ही एकदम हम वो एक्टिविटी हार्ट से कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता। हमने सुना होगा फेक इट टिल यू मेक इट, तो जब तक आप उसको कर नहीं पा रहे विद फुल स्पिरिट एटलीस्ट फेक इट, फ्रॉम प्रिटेंशन ग्रेजुअली वी रीच परफेक्शन लाइक दैट। तो इस प्रकार से हैबिट्स को चेंज करना बहुत अधिक आवश्यक है, ठीक है। तो फर्स्ट इज चेंज ऑफ perspectives. Second is change of habits. Third is change of attitude. Change of attitude. Attitude change करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत कठिन भी होता है। किसी को skill सिखाना आसान है, किसी को knowledge देना भी आसान है, लेकिन किसी का attitude change करना ये बहुत ज़्यादा difficult होता है। लेकिन attitude change होता है। Like Alexander the Great when he came to India. सो एलेक्जेंडर द ग्रेट जब आया तो उसने देखा कि ना एक पेड़ के नीचे एक भिक्षु बैठा हुआ है और वो नाम ले रहा है भगवान का। तो एलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा क्या किया, अपने मंत्री को बोला इसको बोल अपना सर मेरा आगे झुकाए। तो मंत्री उतरा उसने कहा ये एलेक्जेंडर द ग्रेट है सर झुकाए इनके आगे। तो वो जो भिक्षुक था उसने कहा वेल मैं क्यों सर झुकाऊं इनके आगे। तो उन्होंने कहा क्योंकि ये वास्तव में विश्व सम्राट है, इनका नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। कहा अच्छा ये विश्व सम्राट है, एक्चुअली ये विश्व सम्राट नहीं है। अरे कम ऑन, उसने आधार कार्ड दिखाया अलेक्जेंडर द ग्रेट का, विश्व विजेता है भैया। नहीं ये विश्व विजेता नहीं है, ये आधार कार्ड नकली है। तो उसने जाकर बताया सर, कह रहा है सर आपका आधार कार्ड नकली है सर और ये आपका सर नहीं झुकाएगा। ओ अलेक्जेंडर द ग्रेट का दिमाग खराब हो गया, नीचे उतरा उसने तलवार निकाल करके उसे तान दी। हे आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट और ये आधार कार्ड नकली नहीं असली है। तो उसमें आपके आधार कार्ड लिखा है यू आर अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड यू आर विश्व विजेता, यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली यू आर नॉट द किंग, यू नो व्हाई, बिकॉज समथिंग इज रूलिंग यू, यू आर रूलिंग द वर्ल्ड बट देर इज समथिंग रूलिंग यू एंड दैट्स योर एंगर। So actually, you are not the king. There's someone above you. Your anger is above you because your anger is controlling you. So you are not the king. Your anger can be considered to be king, but you are not. अब ये बात जो उसने सोची, Alexander the Great, उसने कहा बात तो सही है वैसे। तो ये तलवार हटा ली और उसका जो attitude था ये change हुआ of this arrogance. लेकिन वास्तव में ये पोरस के पास जा रहा था और पोरस हालांकि कुछ हिस्टोरियंस यही मानना है कि पोरस वॉज नेवर एक्चुअली पुरुषोत्तम, ही एक्चुअली डिफीटेड अलेक्जेंडर द ग्रेट, लेकिन हिस्टोरियंस उसको चेंज भी किया, देयर आर ऑलवेज सम स्पेकुलेशंस, बट एनीवेज ही वेंट टू पोरस पुरुषोत्तम, उनके पास पहुंचे और पोरस ने क्या किया, सबको बहुत अच्छा खाना दिया, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट के आगे थाली में बहुत सारे हीरे जवाहरात रख दिए, कहते सर ये आप खाइए, ये सबको तो इतना बढ़िया दिया आपने, वो लूट डोसा पा रहे हैं, वो इडली पा रहे हैं, वो उनका कॉन्टिनेंटल, उनका मुगलई, उनका नॉर्थ इंडियन, उनका साउथ इंडियन, इनके पराठे, इनके राजमा छोले सब, और मेरे को ये ऐसा क्यों,
कहा सर आप इतनी दूर से आए हैं, आपको हीरे जवाहरात से कम में क्या खिलाएंगे हम, यही खा लीजिए आप। सो ही गॉट द थिंग। उन्होंने कहा ऑल द पोरस यू नो वी हैड सच अ गुड बैटल बट आई मस्ट से यू आर स्टिल नॉट डिफीटेड, नोबडी कैन डिफीट यू एस्पेशली बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड एंड यू हैव गिवन दैट एटीट्यूड टू मी ऑल्सो। अल्टीमेटली देखो अमीर हो गरीब हो खाते तो क्या है, ये दाल रोटी तो खाते हैं, ऐसा थोड़े ही कोई सोने की चपातियां खा रहे हैं, वही आटे की चपाती होती है सेम ही खा रहे होते हैं। लेकिन एक मेंटल इल्यूजन होता है मैं बहुत अमीर हूँ, मैं विश्व विजेता हूँ, मेरे बैंक बैलेंस में इतना पैसा है। सर आप खाते क्या है, मैं रोटी और दाल। अच्छा गरीब आदमी साहब आप क्या खाते हैं, सर रोटी और दाल। अच्छा और क्या आप क्या खाते हैं, मैं अचार भी लेता हूँ। और तू, मैं अभी अचार लेता हूँ। तो और सर आप, कहते मैं लस्सी पीता हूँ। और सर आप लस्सी, तो सर सो ये एक तरह का इल्यूजन है बेसिकली और कुछ नहीं। सो ही गॉट फ्री फ्रॉम दिस इल्यूजन और उसका एटीट्यूड चेंज हुआ, ही चेंज हिज एटीट्यूड। और कभी कभी एटीट्यूड चेंज होता है बाय अ जॉल्ट। लाइक कैकेयी के केस में कैकेयी हैड सच अ लव फॉर श्री राम एज गुड एज कौशल्या, लेकिन उनके जीवन में आ गई मंथरा और मंथरा ने आके क्या किया, दिमाग में वायरस डाल दिया। सो द सेम कैकेयी हु हैड सो मच लव फॉर श्री राम, now she was having vengeance, anger, the sense of competency ki mera beta bharat banega raja aur jangal jayega ram. attitude change bhi kaise hua yahan par, sangati se tumhare attitude to isliye hame we should be very very careful about association, kin ki sangati karte hain hum, sangati se hamara attitude change hota hai. kai bachche mein dekha college ke andar aate hain they are so sincere, हम जाएंगे ना अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेरे पिताजी की हार्ड एंड मनी है, मैं दिखा दूंगा, आई विल प्रूव माय मेटल दिस दैट, उसको दोस्त मिल जाते हैं बढ़िया वाले कहते भाई तू बहुत पढ़ता है यार, बहुत पढ़ता है यार तू भाई, हमने देखा यार तू बंदा यार शाम को कैंटीन में जाके दूध पीता है, तू दारू नहीं पीता, दूध पीता है, कर करके उसके जीवन में दारू डाल देते हैं। वो एटीट्यूड चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। लेकिन एटीट्यूड अगेन इट कैन गेट बैक टू द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड बाय अ जॉल्ट। जब भरत वापस आए अयोध्या, उनको पता लगा कैकेयी मैया ने ये काम किया है, दिस एटीट्यूड। उसके बाद भरत ने जो हाल मचाया अपनी माँ का, ओ माई गॉड, उन्होंने जो जो बोला ना वे टू हैवी, काश या तो मैं पैदा होते मर गया होता, या मैं किसी और की मांस के कोख से जन्म लिया होता, या फिर मुझे जन्म देके तू मर गई होती, दैट्स वे टू हैवी। जब इस प्रकार का जॉल्टिंग एक्सपीरियंस मिला कैकेयी को, कैकेयी का एटीट्यूड चेंज हो गया। तो कभी कभी एटीट्यूड चेंज होता है भाई जॉल्ट। जॉल्ट होता है थोड़ा कष्ट देता है बिकॉज पुशेस यू, तो उससे थोड़ा कष्ट होता है लेकिन बंदा ठीक हो जाता है। और देखिए दर्द की भी अपनी वैल्यू है, अगर दर्द ना हो तो हम कहीं ना कहीं अपने आप अपने ऊपर काम ही नहीं करेंगे। जैसे मान लो अगर आपको यहाँ कुछ कट लग जाए, जब तक यहाँ दर्द होता रहेगा तो आप डॉक्टर पास जाने की अर्जेंसी मचाएंगे, लेकिन यहाँ दर्द ही नहीं होगा, खून बहता रहेगा आप घूमते रहेंगे कहते हैं पता नहीं बड़ी कमजोरी सी फील हो रही है मेरे को क्या सर आपको 2 लीटर बहेगा, ओह माय गॉड। सो कहीं ना कहीं दर्द अच्छा है, ये जॉल्ट ये अच्छा है, कोई हिला दे ये अच्छा है, झंझोड़ के रखते हैं ऐसे ये अच्छा है। सो गुस्से की सही एप्लीकेशन भी ये होती है कि हम या तो अपने ऊपर गुस्सा करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, तो हम क्या करते हैं कभी कभी अपने ऊपर गुस्सा करते हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा यार, व्हाट द हेल। ये एंगर का सही इस्तेमाल है, अफकोर्स में जाकर ऐसा नहीं करना नहीं हो पा रहा, लाओ चक्कू लाओ ये लाओ हार्पिक लाओ 2-4 वो भी नहीं करना चाहिए, of course. Sometimes we need a jolt. Sometimes a jolt may come from our own selves. Sometimes a jolt may come from outside. लेकिन इससे भी attitude में change आता है. Jolt. हिला के रखते कोई. जरूरी है. Sometimes attitude can change because of affection. स्नेह की वजह से भी व्यक्ति का attitude change हो जाता है. ऐसे कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर कि लोग रहते हैं with high value system. ऐसी जगह पर ना अगर कोई आप रहना शुरू करें तो उनकी अफेक्शन में व्यक्ति धुल जाता है। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अब ये लोग राउडी हैं, लेजी हैं, क्रेजी हैं, रॉक एंड रोल दिस दैट, दैट्स द हिप्पी कल्चर। लेकिन हमारे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी ने खुद अपने हाथों से इनको प्रसाद खिलाया।
अपने हाथों से वो कुकिंग करते थे, भगवान कृष्ण को भोग लगाते थे और फिर हिप्पीज को खिलाते थे। और ये हिप्पीज जो एलएसडी, मैरिजुआना, ये सब लेने वाले लोग हैं, रॉक एंड रोल, इलिसिट सेक्स, इसके अंदर पूरी तरह से लिप्त हैं, एब्सोल्युटली इनटू डिग्रेडेड कल्चर। ऐसे लोग जो है दे बिकेम सच थॉरो जेंटलमैन, ग्रेट सेंटली पीपल। मतलब ये हाल था कि दैट व्हेन ही वुड एंटर हिज लॉफ्ट, तो एक के ऊपर एक गिरे हुए हैं, एलएसडी मैरिजुआना लेके गिरे हुए हैं, तो प्रभुपाद जी को इनको पकड़ करके किनारे करना पड़ता था टू क्लियर द वे टू एंटर हिज प्लेस। In fact, one of the place, one hippie attacked him out of, उसने बहुत ड्रग्स कुछ ज़्यादा लगा लिया अपने चढ़ा लिया, तो जितनी ड्रग्स लेता है उतना व्यक्ति जॉम्बी बन जाता है, तो जॉम्बी हो गया वो, जॉम्बी बन के उसने अटैक कर दिया प्रभुपाद जी ऊपर विद अ नाइफ। उसको पता नहीं लगा बाद में, ऑफकोर्स मेरी आवाज़ आज कि तूने ऐसा क्यों किया, उसको मुझे पता नहीं मैंने क्या किया। दिस वॉज अ काइंड ऑफ पीपल ही वॉज डीलिंग विद। श्रील प्रभुपाद जी अपने हाथ से गुलाब जामुन बना करके एक ट्रांसपेरेंट जार में रखते थे कि कोई भी हिप्पी कभी भी आए, जार खोले, गुलाब जामुन खाए। अब अमेरिकन ने कभी गुलाब जामुन जैसी चीज नहीं खाई थी, क्या गुलाब जामुन कैन बी सो ट्रांसफॉर्मिंग। एक्चुअली गुलाब जामुन इज वेरी पावरफुल, स्पेशली व्हेन इट इज ऑफर्ड टू कृष्णा, माय गॉड, वेरी वेरी पावरफुल। मैं एक समय एक एमटेक आईआईटी के साथ लड़के के साथ था, वो ही वाज एन एथिस्ट। अब लगा मेरे साथ 3 घंटे हो गए हमें साइंस, हम भी साइंस लगे हुए थे, साइंस, थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, ये वो करते कराते 3 घंटे हो गए उसके साथ, उसको समझाओ, फिर वो ये नया फोल्डर खोले, फिर उससे ये फोल्डर बंद करो, दूसरा फोल्डर खोले, 3 घंटे चल रहा है। फाइनली एक डिवोटी आया, उसके हाथ में गुलाब जामुन था, मैं कह ये प्रसाद पाइए थोड़ा सा, तो गुलाब जामुन लिया। बात तो सही वैसे आपकी मैंने पहले क्यों नहीं किया ये। सो चेंज इन एटीट्यूड कैन ऑल्सो कम बिकॉज ऑफ अफेक्शन, स्नेह की वजह से भी हम अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं, ऐसा होता है। जैसे एक व्यक्ति था, उसने ना हमारे श्री प्रभुपाद जी की तस्वीर देखी, उसमें प्रभुपाद जी से बात कर रहे हैं और उनके हाथ में घड़ी है और रोलेक्स की वॉच थी, किसी ने गिफ्ट की थी प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी पहनी हुई थी, उसने कहा स्वामी के हाथ में रोलेक्स की वॉच, ये तो हमारे पास होनी चाहिए। तो उसने क्या किया, वो आ करके घुस के अपना डिबूटी वगैरह बन गया, धोती कुर्ता व्यवहारिक शेवन हैड, वो भी ऐसा हो गया कि भाई बस जैसे मौका मिलेगा घड़ी चुरा लूंगा, बस उस घड़ी का उसे इंतजार था कि वो घड़ी चुराएगा। अब ऐसा करते करते ऑफकोर्स ही बात, तो ही ज्वाइंट द कुकिंग डिपार्टमेंट, वहां से कुकिंग शुरू कर दी, बीच में मौका देखा करता था, जब कोई मौका मिलेगा तो मैं घड़ी चुराऊंगा, घड़ी चुराऊंगा, घड़ी चुराऊंगा, ऐसा करते 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 बैठी बस है कि प्रसादम ऑल्सो मीटिंग विद डिवोटीज। और फिर हमारे श्री प्रभुपाद जी ने उसको बुलाया और देखा कि ना वो खड़ा हुआ, वो देख रहा है दीक्षा सेरेमनी हो रही है, और देख रहा है अरे भाई क्या चल रहा है भाई। प्रभुपाद जी का तुम्हारी भी दीक्षा होनी है क्या? वो घबरा गया, दीक्षा मैं तो घड़ी के लिए आया हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उसको बुला करके उसको अपनी खुद की जपमाला दे दी, ओके यू चैंट यू 16 राउंड्स, आज से तुम्हारा नाम है हरिदास, दीक्षा दे दी उसको। वो सोचता रह गया, हिज एटीट्यूड कंप्लीटली चेंज बिकॉज ऑफ अफेक्शन ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो ऐसा होता है कि अगर आपको बहुत कोई स्नेह दे दे, इससे भी व्यक्ति का एटीट्यूड चेंज होता है। एक और चीज से एटीट्यूड हमारा चेंज होता है, वो है नॉलेज। नॉलेज से एटीट्यूड चेंज होता है। जैसे महाभारत की वॉर में दुर्योधन सोचा करता था कि चल क्या रहा है, मतलब ये हमारी तरफ भीष्म पितामह इज सो पावरफुल दैट अकेले भीष्म पितामह को डिस्ट्रॉय एंटायर पांडव आर्मी इंक्लूडिंग 5 पांडवास, अकेले, नॉट आर्मी वार कुछ नहीं, अकेले वो खुद भीष्म पितामह, ही वॉज सो पावरफुल, द वन हु डिफीटेड परशुराम जी, सोचिए वो क्या व्यक्ति होगा, माई गॉड। लेकिन यहां तो मैच चले जा रहे हैं, हम बोला 2020 होगा, ये तो 5-day मैच ही ओवर हो चुका है, अभी मैच चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा विश्व पितामह ये मतलब ये क्या मामला क्या है कि हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। तो विश्व पितामह ने कहा देखो ऐश्वर्या, सामने वाली पार्टी में एक बहुत ही स्पेशल व्यक्ति है, कृष्णा। तो उसके बाद उन्होंने कहा तो कृष्णा तो उसमें क्या, वो ग्वाला ही तो है और क्या, रात को रासलीला करता था, वो क्या होता है लड़कियों के साथ घूमा फिरा करता था, उसके बाद हम है क्या कैरेक्टरलेस आदमी हो। तो नहीं सर, यू आर मूर्ख नंबर वन, और भविष्य में जो ऐसा मानेगा जैसे तुम सोचते हो दे वुड ऑल्सो मूर्ख नंबर वन। अब मैं तुमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। और फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई भविष्य में, तो मैंने कहा देखो इस पावर पॉइंट स्लाइड का नाम है हु इज गॉड, एंड देन ही एक्सप्लेन दैट हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये सारा सेशन अटेंड करने के बाद ही गॉट अ वेरी पावरफुल पॉइंट फ्रॉम द पावर पॉइंट। तो अच्छा ये मतलब ये भगवान है, This guy is God.
यीशु मसीह ने कहा हाँ जी, आपका सबूत मिल चुका है, इतने दिनों से हम कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे उनका, रीजन बीइंग गॉड इज ऑन दैट दैट साइड, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, मैं हूँ ये द्रोणाचार्य हम सब मिलकर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते सामने वाली पार्टी का, बिकॉज गॉड इज ऑन दैट साइड। बाबा पहली बार दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके सोया, वो कहते हैं अरे प्रभु हमें बताइए था आप क्या प्रभु है। सो एटीट्यूड चेंज कैसे हुआ? बाय नॉलेज। नॉलेज प्राप्त करके हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। मुझे याद है एक समय मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और रात के करीब 10 बज रहे थे। सो देयर वाज वन मुस्लिम गाय एंड समहाउ एंड ही वाज अ प्रीचर। सो हम लोगों ने चर्चा शुरू की 10 बजे और फिर हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज कॉमन बिटवीन इस्लाम एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो हम वो चर्चा कर रहे थे। तो करते करते फिर बात आई मूर्ति पूजा की एंड ही वॉज ब्रॉड माइंडेड मुस्लिम, ही वॉज नॉट फनेटिक वन, सो ही वॉज ब्रॉड माइंडेड, सो वी आर हैविंग वेरी हेल्दी डिस्कशन। सो मैंने उसको सिंपल ये एक्सप्लेन किया, मैंने कहा तो अच्छा तो बोलते हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ये तो संगमरमर है, वो जो जमीन पड़ा है वो भी संगमरमर है, संगमरमर इट्स ऑल मार्बल सेम ही तो है और क्या नहीं। तो सो आई गिव सिंपल एग्जांपल, मैंने कहा जैसे फॉर एग्जांपल एक किताब होती है जैसे कुरान शरीफ है, वो भी एक किताब है, उसमें भी गत्ता है, नॉर्मल किताब उसमें भी गत्ता है, इसमें पेज है, इसमें पेज है, इसमें इंक है, इसमें इंक है, पर तुम सर पे किसको लगाते हो? कहते कुरान शरीफ को। क्या लेकिन वो भी तो गत्ता है और कागज और इंक है, बस दैट्स इट। कहते नहीं नहीं जी देखिए वो कुरान पाक है। तो फर्क क्या है? लेकिन ये भी गत्ता, दोनों गत्ते, दोनों पेज, दोनों इंक सेम। कहते नहीं सर जो भी है ना बाहर से हालांकि सेम दिख रहे हैं लेकिन कुरान पाक तो कुरान पाक है। उस तरह से आपको लगे भाई तो संगमरमर, वो भी संगमरमर सेम है, संगमरमर दोनों सेम है। नहीं कहा, मैंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं होता, दोनों अलग अलग है। और फिर मैंने उसको एग्जांपल दिया जैसे फॉर एग्जांपल कागज से टोड़ा हो, उसमें थोड़ी चटनी हो, उसमें समोसा लगा के खा लोगे? कहते हाँ उसमें क्या है, बिल्कुल। मैंने कहा 2000 का नोट दूँ तो? कहते अरे। मैंने कहा सर वो भी तो कागज ही है, उस पर चटनी डाल के खा लोगे? हम कर लोगे ऐसा? नहीं, राइट। तो इस तरह से एक्सटर्नली कोई चीज सेम हो सकती है बट इंटरनली दे कैन बी गल्फ वाइड डिफरेंस। गन्ना भी होता है और बांस भी होता है, दोनों बाहर से सेम दिखते हैं लेकिन अंदर से देखा जाए तो जो गन्ना होता है अंदर से रसीला होता है, जूसी होता है, मीठा होता है, लेकिन जो बांस होता है अंदर से सूखा होता है, देयर इज नो जूस। तो दोनों में अंतर है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। इन दिस वे आई सेड भले एक संगमरमर है और संगमरमर की फर्श भी होते हैं, मूर्तियां भी होती हैं, बट हियर इज अ डीटी जो कि पूजनीय है। ओ यस या, मैंने कहा आप कभी गए मोहनजोदड़ो और इनके मूर्तियां देखने के लिए? कहते हाँ यार नेशनल म्यूजियम में। मैंने कहा उनको देखिए कभी आपको फीलिंग आई, ओह क्या मोहनजोदड़ो है, क्या हड़प्पा, आई लव यू हड़प्पा, कभी ऐसी फीलिंग आई आपको? मैंने कहा नहीं ऐसे तो, उसने कहा नहीं ऐसे तो कोई फीलिंग नहीं आई, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा लेकिन अगर लोग भगवान के मंदिर जाते तो व्हेन दे सी द डीटीज उनकी आंखों में आंसू भी आते। अब सोचिए ये भी मूर्ति, ये भी मूर्ति, तो इसमें इमोशंस क्यों आ रहे भला? तो मूर्ति तो पत्थर है, दैट्स इट। सो ही अंडरस्टूड इट एंड वी हैड अ डिस्कशन फ्रॉम 10 PM टिल 5 AM, 7 hours ऑफ हेल्दी डिस्कशन। देन ऑफ कोर्स वी वांट टू गेट डाउन, सो एंड वी हग्ड ईच अदर एंड ही सेड आई विल कम टू योर हरे कृष्ण टेम्पल। सो हिज एटीट्यूड चेंज्ड बिकॉज ऑफ नॉलेज। कभी कभी हमें जब नॉलेज नहीं होती तो नॉलेज ना होने की वजह से हमारा एटीट्यूड गड़बड़ हुआ होता है, बट एज सून एज वी गेट द नॉलेज हमारा एटीट्यूड ठीक होता है। यस, सो वी शुड एस्पायर टू गेट नॉलेज, वी शुड एक्चुअली गेट डीप इनटू थिंग्स, तब पता लगता है एक्चुअली असलियत है क्या। नहीं तो सरफेस पे हम जज करते रहेंगे ना, देन यू बिकम जजमेंटल, और जो जज करता है वो एक दिन मेंटल हो जाता है। अभी तो लाइफ में एक्चुअली यही है, अगर कोई और गलती करे वी बिकम जज, हम गलती करें वी बिकम वकील। सबने लॉ सूट ज्वाइन किया हुआ है, हम गलती करते हैं जस्टिफाई करें, एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड ये मेरी गलती नहीं थी, जो हुआ वो भावनाओं में बहकर ही गलती से हुआ माय लॉर्ड। सो बिकम वकील, खुद को डिफेंड करने में आओ, वी आर सो उस्ताद। और सामने वाला गलती करे, वेल आपने गलती नंबर 1, 2, 3 और उस पर भी गलती की थी, उस पर भी गलती की थी, आपने बहुत सारी गलतियां की, इसलिए आपको ताजी रात हिंद दफा 302 के तहत। So, इसलिए हमें इसे निकलना चाहिए। सो दैट इज वी बिकम जजमेंटल व्हेन वी डू नॉट हैव नॉलेज। सो कोई भी चीज अगर हम अप्रोच करें, एक्सेस करें, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी पूरी नॉलेज लेनी चाहिए, उसी गहराई में जाना चाहिए, उससे हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। लाइक वाज देयर वाज वन गाय, देयर वाज वन गर्ल मुझे मिली थी मेट्रो में, एंड शी वाज यंग और
अभी जॉब करके आ रही थी वो, तो हम दोनों मेट्रो में ही थे, तो मुझे बोलती है आप हरे कृष्ण वाले हैं? मैं कहा हाँ जी बिल्कुल हम हरे कृष्ण वाले थे बिल्कुल। कहते मैं जानती हूँ आप हरे कृष्ण वालों को ना, आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले हरे कृष्ण वाले। मैंने कहा हाँ देखिए मेट्रो कितनी बड़ी गाड़ी है और आज इतनी बड़ी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने आपको लिफ्ट भी दिया, यू शुड से थैंक यू टू मी। सो बट शी हैड ऑल ऑफ दीस आइडियाज। कहते आप मैं जानती हूँ ये विदेशी संस्था है, इस्कॉन एक विदेशी संस्था है, ये तो बेसिकली क्या है, इतना पैसा तो कोलगेट कंपनी नहीं भेजती अमेरिका जितना कि इस्कॉन भेज देती है। मैंने कहा आपने किसको सुना है ये? राजीव दीक्षित जी को। मैंने कहा देखिए वैसे हम भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, वैसे तो गौ रक्षा के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से बोला, लेकिन बस यहाँ थोड़ी गड़बड़ी की हुई उन्होंने कि इस्कॉन जो है विदेशी संस्था है जो इतना पैसा बाहर भेजती है, इतना तो कोलगेट भी नहीं भेजती। मैंने कहा देखिए हम लोग इतनी सेवा करते हैं, मैंने कहा अभी आपको जानी खुशी होगी, हमने सिर्फ 3.5 करोड़ लोगों को प्रसाद खिलाया इस्कॉन द्वार का। और पूरे इंडिया में सिर्फ 7.5 करोड़ लोगों को हम प्रसाद खिला पाए कोविड के समय में, बस ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाए हम जानते हैं। कहते व्हाट 7.5 करोड़ प्लेट्स? देखा हाँ जी वो काउंटिंग भी करके गए थे, ऐसे नहीं हमारी खुद ही काउंटिंग बताई हुई कि हमने किया 500 हो बताए थे, 5 लाख बताए थे, काउंटिंग करके गए बाहर वाले आके। तो अच्छा ओ आप लोग इतना काम कर रहे हो? मैंने कहा देखिए हमारे यहाँ भक्त लोग सुबह 4:30 बजे मंगल आरती के लिए आते हैं, अब अगर हमें इंडियंस को बेवकूफ बनाना हो तो सुबह 4:30 बजे क्या क्या मंगल आरती आए, हम भी उठे अपना 7 बजे उठे और थोड़ा बहुत करें करें पैसा दो पैसा कर लें और क्या करना चाहिए ना हमें और क्या, हम तो सुबह उठ रहे हैं। मैं कहा तुम क्या कर रहे हो उधर 4:30 बजे? कहते मैं तो घनघोर नींद में होती हूँ उस वक्त। मैं कहा तो सोचा मैं तमाशा करने के लिए तब उठना चाहिए ना, तब सब जब दुनिया उठे हम भी जाए राइट। मैं कहा देखो हमारा इस्कॉन वैसे इसकी ओरिजिनल जो सेंटर्स खुले वो सैन फ्रांसिस्को में खुले, लंदन में खुले, न्यूयॉर्क में खुले, तो बाहर खुले, हमें आइडली सेंटर यहाँ खोलना चाहिए थे, बाहर बैंक अकाउंट खोलना चाहिए था राइट, लेकिन हो गया उल्टा, यहाँ वहाँ सेंटर पहले खुल गए। इंडिया में तो इस्कॉन बाद में आया एक्चुअली, क्योंकि इंडियंस अरे हमें भक्ति आती है अभी क्या बताऊँ, यही इंडियंस का हाल था। और इंडियंस सोचिए अब देखिए जो मेड इन यूएसए हो हम उसको सीरियसली लेते हैं। प्रभुपाद ने कहा ठीक है मैं भक्ति को मेड इन यूएसए कर देता हूँ, है इंडिया की इंडिया कल्चर है भक्ति का कल्चर, प्रभुपाद ने कहा उसको यूएसए घुमा के लेके आता हूँ। जैसे इंडिया में बाकरी होती है ना, बाकरी को सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन पिज्जा को सब सीरियस लेते हैं। क्यों? ये पिज्जा अरे पिज्जा है ना, अरे पिज्जा है जो उनसे पिज्जा देहाती ऐसे बोलते पिज्जा अपमान होता है ये पिज्जा का, ऐसे बोलना पिज्जा 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 देता पिज्जा देता देहाती। सो पीपल बिकम सो पर्टिकुलर अबाउट पिज्जा, व्हाई? बिकॉज़ नो पिज्जा इज कमिंग फ्रॉम यूएसए। तुम्हारे शुरू प्रभाव ने कहा ठीक है इनको मेड इन यूएसए पसंद है, मेड इन इंडिया पे इतना विश्वास नहीं ना, चलो कोई बात नहीं हम भक्ति को थोड़ा यूएसए घुमा के लेकर के आते। तो वहां के लोग भक्त बने, अमेरिकन्स यूरोपियंस अफ्रीकन्स। आज चाइना के अंदर 15,000 से ज्यादा हरे कृष्ण डिवोटीज हैं। वाओ अरे आपको एक बार पता है नहीं, मैं कहा देखिए अगर हम ऐसे वाकई में एक विदेशी संस्था होते ऐसा कम से कम हम कृष्ण को सामने रख करके ना पैसा नहीं कर ले सकते, बिकॉज कृष्ण इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भगवान है भाई, चोरी करके ये खाए, लड़कियों के साथ आपको डांस ये किए, पत्नियां इनके 2-4 नहीं है, 16,108 इसको लेके वैसे ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है, हालांकि उसकी एक्सप्लेनेशन है पर किसी को नहीं पता हो तो कहेगा भाई आप कृष्ण जी के भक्त हैं क्या, तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बात है। राम जी को लीजिए, राम जी बहुत सीधे साधे, उनको लेके हम भले कुछ पैसा कमा सकते थे इंडियन से, लेकिन राम जी के साथ भी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी, भाई वो सीता मैया का त्याग क्यों किया उन्होंने और भाई वो बाली को छुट्टी क्यों मारा उन्होंने, तो बेस्ट था हम माता रानी के मंदिर खोलते, बेस्ट, नो लीला नो कॉन्ट्रोवर्सी, पैसा लाओ, दैट वुड हैव बीन मोर लॉजिकल। लेकिन हम तो कृष्ण भगवान को लेके जाते, कृष्ण भगवान को सामने रख करके ना मतलब क्या फंड रेजिंग कैसे हो सकती थी? दिस इज अनदर रीजन। मैंने कहा अच्छा आपका फोन कौन सा इस्तेमाल करती है? वीवो। मैं कहा देखो पैसा आपने चाइना भेज दिया, पैसा चाइना भेज दिया हमने, और इंडिया में जितने लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, कोई वीवो इस्तेमाल करता है, कोई हुआवी इस्तेमाल करता है, कोई रियलमी इस्तेमाल करता है, ओप्पो इस्तेमाल करते हैं, ये सब क्या है? हम सब पैसा चाइना भेज रहे हैं जी, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, हम सिर्फ 2.5 लाख करोड़ रुपए चाइना को मोबाइल मोबाइल में दे देते हैं,
कहते आप ये पैसा रखिए और उग्रवाद फैलाते रहिए, हम बहुत आभारी हैं आपके, आप पैसा चाइना को जरूर दीजिएगा आर्म्स एंड एम्युनिशन के लिए, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, सो ग्रेटफुल टू यू, और आपका ओप्पो और वीवो हमको देते रहिए। तो देखो आपने पैसा भेज दिया विदेश में, कहते ना ओहो ये तो मैंने इसको भी सोचा ही नहीं। लेकिन और देखिए अगर हम पैसा भेजने वाली ऑर्गेनाइजेशन होते हमको ना सिंपल रूल रखने चाहिए, सिंपल रूल रखो तो लोग ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा रूल रखो कहते हैं अरे भाई वे टू मच भाई, तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो चैंटिंग हरे कृष्णा, नो इंटॉक्सिकेशन और नशा नहीं करना है और जुआ नहीं खेलना है, और कहते भैया तुम्हारी दुनिया तुमको मुबारक, हम खुश रहे हैं अपनी दुनिया में, बट यू हैव गॉट सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑल्सो, दैट्स ऑल्सो दैट विल ऑल्सो रिपेल पीपल टू कम राइट। हाँ बात तो वैसे सही है। मैंने कहा आपको जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमारा मायापुर में बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है और उस मंदिर के लिए 30% मनी कम्स फ्रॉम चाइना, चाइना के लोग पैसा दे रहे हैं मंदिर बनाने के लिए, ये हुआ है कभी पहले कभी? ओ सर ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अगर मैडम जी थोड़ा सा पूछना चाहिए ना जी, हाँ बात तो सही है। सो हर एटीट्यूड चेंज बिकॉज ऑफ नॉलेज, सो नॉलेज की वजह से हमारा एटीट्यूड चेंज होता है, इसलिए वी शुड सीक नॉलेज। ओके तो हमने चेंज ऑफ perspective, change of habits and change of attitude. The fourth one is change of lifestyle. हमें अपना lifestyle भी change करना चाहिए. We should do that. और lifestyle change कैसे होता है? Lifestyle change होता है when we balance everything. Life में हर चीज को हमें regulated way में करना चाहिए, उससे हमारा balance lifestyle बनता है। जैसे अगर किसी को अगर जो नट होता है ना, उसको जब चलना होता है तो कभी ऐसे 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 करते 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 करते, कभी इसको डंडे को यहाँ, कभी थोड़ा यहाँ, ऐसे करते 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 क्रॉसेस। सिमिलरली वी आर टू ब्रिंग बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ को जितना रेगुलेटेड वे में हम करेंगे लाइफ में बैलेंस आ पाता है। या सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है वी ब्रिंग बैलेंस। जैसे कि सब्जी के अंदर नमक ज़्यादा हो सब्जी खराब, नमक बिल्कुल ना हो सब्जी खराब, लेकिन अगर थोड़ा सा हो तो सब्जी टेस्टी बनती है। यानी रेगुलेटेड वे में अगर हम कुछ करते हैं दैट इज वेरी गुड। जैसे मोबाइल फोन्स ही हैं, मोबाइल फोन को अगर आप बहुत ज़्यादा करो, अब जैसे आजकल शॉर्ट्स आ गए, शॉर्ट्स दे आर नो मोर शॉर्ट्स, दे आर बिग, सब मिल करके बहुत बड़े हो जाते हैं वो। ऐसा होता है ना भाई हल्का बनाइएगा जी, क्या ठीक है जी इडलियाँ बनाई हैं हल्का है, पर हमने 100 इडलियाँ खा ली तो भारी हो गए राइट। उसी तरह से लोग यहाँ शॉर्ट्स देखते देखते 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड कहते हैं 20 सेकेंड का ही तो है, 10 सेकेंड का ही तो है, ये करते 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 3 घंटे हो जाते हैं। दिस हैपन्स विद मैनी। तो इसलिए हर चीज़ को रेगुलेट करना बहुत जरूरी, इवन फॉर यू वॉन्ट टू वॉच समथिंग जंकी ऑन इंटरनेट उसको भी रेगुलेट करिए, जरूरी है, ये तो लाइफ स्टाइल आपका खराब हो जाएगा। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग, सोशल वेलबींग, ये सारी वेलबींग का हमें ध्यान रखना चाहिए, सारी वेलबींग का हम ध्यान रखते हैं, देन वी लिव अ वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ लाइफ। ये बहुत जरूरी है, एस्पेशली इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन से सब कुछ खराब कर दिया, मोबाइल फोन और साथ में आ गया इंटरनेट, बस इंटरनेट का मतलब ये, इंटर का मतलब अंदर, नेट का मतलब जाल, आपके अंदर जाल फैला दिए वो, बस दैट इज इंटरनेट। अब देखता हूँ लोग पढ़ते ही नहीं है, मैं मेट्रो में देखता हूँ हार्डली एनी वन हैज अ बुक बिफोर द फेस, वाई बिकॉज इज फेसबुक, हो गया काम। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो रेगुलेशन लेकर के आना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, इन टर्म्स ऑफ आर ईटिंग करना चाहिए। आज बच्चों में स्टेमिना भी नहीं है, व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव हेल्दी लाइफस्टाइल। अब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन यहाँ ये दिक्कत है, क्रिकेट तो बाहर खेलने के लिए था बाबा, अब लोग दौड़ रहे हैं लेकिन ट्रेडमिल पे, अरे ग्राउंड थे दौड़ने के लिए, ऐसे ट्रेडमिल पे दौड़ करके होता क्या, घुटने भी खराब होते हैं। तो इसलिए ट्रेडमिल पे नहीं दौड़ना चाहिए, वी शुड, अगर आपको जाना है गो फॉर अ वॉक आउटसाइड, डू दैट, ये करने से वी फील मोर रिफ्रेश, वी बिकम हेल्दियर। सो खाना चाहिए हमें, अच्छे से खाना चाहिए, अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए। हम कितना खाते हैं उसे शक्ति नहीं मिलती, हम कितना पचाते हैं उसे शक्ति मिलती है। जिनको लगे हम बहुत खाऊंगा बहुत खाऊंगा बहुत खाऊंगा बहुत खा के खा 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 खा, मेरा अच्छा खासा उसको प्रीपेड कनेक्शन था, वो पोस्टपेड कनेक्शन लेके चल रहा है वो, पर ये पोस्टपेड हुआ कैसे जिसमें चाय की, बिकॉज ऑफ अनरेगुलेटेड लाइफस्टाइल। तो कहीं ना कहीं वो रेगुलेशन लाइफस्टाइल में लेकर के आना ये बहुत जरूरी है। ओके नाउ टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ चेंज इन आवर लाइव्स, देयर आर फ्यू स्टेप्स, क्योंकि अक्सर ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम लोग लेते हैं लेकिन वो रेजोल्यूशन हमारे क्यों नहीं चल पाते, रीजन बीइंग हम उसके पीछे ना
एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी उसको फॉलो नहीं करते. लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टेप वन दैट यू शुड हैव अ टेंजिबल रियलिस्टिक गोल जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं इन योर करियर लाइफ इन फैमिली लाइफ इन स्पिरिचुअल लाइफ इट शुड बी टेंजिबल रियलिस्टिक गोल. अगर आप अनरियलिस्टिक गोल रखते हैं होता क्या लोग फिर बाद में गोल चेंज कर देते हैं कहते हैं नहीं हो रहा यार नहीं हो रहा भाई छोड़ देते हैं एक्चुअली वो. सो वी शुड नॉट चेंज आवर गोल्स वी शुड चेंज द स्ट्रैटेजी टू रीच द गोल बट नॉट द गोल इटसेल्फ. तो गोल होना चाहिए रियलिस्टिक होना चाहिए टेंजिबल होना चाहिए एंड यू शुड बी डेस्परेट फॉर द गोल दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली वी शुड ऑल्सो फिक्स अ टाइमलाइन टू रीच द गोल. हम सुबह उठेंगे सर कितने साल में 15 साल में मैं अचीव कर लूंगा 15 साल में आप ये अचीव करोगे मैं सुबह उठना है मेरे को. सो कहीं ना कहीं वो चीज़ डिफाइन करनी बहुत जरूरी है. वी शुड ऑल्सो डिफाइन इट कि मुझे अगर गोल अचीव करना है तो मुझे कब तक अचीव करना है. ठीक है जी. नाउ थर्ड स्टेप इज यू शुड हैव डिस्टर्बिंग रिमाइंडर्स फॉर इट. रिमाइंडर तो होता है भाई आपने मोबाइल फोन में कर दिया टी 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 कहता चल स्नूज. दिस इज नॉट अ डिस्टर्बिंग रिमाइंडर. वी शुड हैव रिमाइंडर टू अचीव द गोल एंड दैट शुड बी डिस्टर्बिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर के शीशे को 80% कवर कर दो. जो लोग शेविंग करें जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको शेविंग ऐसी करनी पड़ेगी. सो दिस विल रिमाइंड यू अरे यार रोज पढ़ना भी है. दिस विल एवरीडे रिमाइंड यू जहाँ से आप निकलते हो वहाँ कुछ बीच में गाड़ दो ताकि आपको ऐसे करके जाना पड़े. दिस विल रिमाइंड यू इट शुड डिस्टर्ब यू इट शुड डिस्टर्ब यू इवन यू कैन आस्क समबडी अगर मैं किसी दिन अपना टारगेट मीट ना करूँ चपैट इट विल डिस्टर्ब यू. पर जो चीज आपको डिस्टर्ब कर दे बार 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 दैट इज समवेयर पुशिंग यू टू डू इट. सो वी शुड नॉट हैव माइल्ड रिमाइंडर्स ना 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 वी शुड हैव डिस्टर्बिंग रिमाइंडर. एक ना ऐप आती है अलार्मी करके उसमें एक ऑप्शन ये भी है दैट यू टेक अ सर्टेन फोटोग्राफ और अलार्म सेट करिए जब तक आप वापस जाके वो सेम फोटोग्राफ नहीं खींचेंगे अब अलार्म बंद नहीं होता. और मैं ये अपनी सिस्टर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था शी वाज स्टेइंग इन गुड़गांव और मैं अलार्म ऐसे सेट कर दिया और फिर मैं वापस आ गया द्वारका. अब अलार्म बजना शुरू हुआ लेकिन मैंने फोटो खींची हुई गुड़गांव की. तो उसमें दूसरी ऑप्शन ये थी कि अगर आप टैप करते हैं 1000 times देन इट वुड स्टॉप बट दिस वॉज वे टू डिस्टर्बिंग. बट एनी वेज बट वी शुड हैव रिमाइंडर्स विच आर डिस्टर्बिंग टू यू अगेन एंड अगेन. वो रिमाइंडर्स आने चाहिए चाहे इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्लोगन्स इट कैन बी समथिंग विच शुड हिट यू. तो हम उसको कर पाते हैं एक्चुअली लाइक दैट. ओके सो दैट्स द थर्ड स्टेप. अच्छा फोर्थ स्टेप क्या है. फोर्थ स्टेप है उसको रेगुलरली ट्रैक करना. एनीथिंग विच इज ट्रैकेबल दैट इज इम्प्रूवेबल. एनीथिंग विच इज ट्रैकेबल दैट इज इम्प्रूवेबल. अगर आप उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो आप इंप्रूव नहीं कर सकते. यू शुड ट्रैक इट. एंड फिफ्थ स्टेप इज दैट यू शुड रिपोर्ट टू समबडी. आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग करिए और जिसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं ऑफ कोर्स ही शुड बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू राइट. एंड दिस पर्सन हैज अ राइट टू डू एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट टू यू. आपको ये राइट उसको देना पड़ेगा देन इट कैन हैपन. हो सकता है जहां हम रिपोर्टिंग करना शुरू करते हैं ना रिपोर्टिंग करने का करते करते ना हमारी इज्जत फंस रही होती है उसके अंदर. रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना आज मैंने 0 पढ़ाई की आज मैं 8 बजे उठा रोज आप ये भेज रहे हैं और उस तरह से गालियां आ रही हैं बार 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 बार. सो कहीं ना कहीं आपको झंझोड़ता है. सो वी शुड ब्रिंग रिपोर्टिंग. कोई भी ऐसा ट्रस्टवर्दी व्यक्ति इट कैन बी दैट पर्सन कैन बी योर फ्रेंड दैट पर्सन कैन बी योर कंपेनियन सम वेलविशर अ गार्जियन एनीवन. लेकिन रिपोर्ट करना शुरू करें और सामने वाले को पूरा अधिकार दें कि वो आपको पूरा अच्छे से स्क्रू कर सके. दैट्स व्हाट्स रिक्वायर्ड एक्चुअली दैट्स व्हाट्स रिक्वायर्ड. सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स. स्टेप वन क्या है. हैविंग अ टैंजिबल रियलिस्टिक गोल्स. स्टेप टू सेटिंग अ टाइमलाइन कि इतने समय में इसको अचीव करना है. यस थर्ड स्टेप हैविंग डिस्टर्बिंग रिमाइंडर्स जो है बार बार डिस्टर्ब करना है नॉट माइल्ड रिमाइंडर्स डिस्टर्बिंग रिमाइंडर शुड बी देयर. यस फोर्थ यस एनीथिंग विच इज ट्रैकेबल इज इंप्रूवेबल. तो कितना मैं अचीव कर पाया और कितना मुझे पहुंचना था इस दोनों को हमें ट्रैक करना चाहिए. फिफ्थ स्टेप रिपोर्टिंग. वी शुड रिपोर्ट आवर प्रोग्रेस. रिपोर्ट करने में हमारी क्या चीज फंस रही होती है हमारी इज्जत हमारी ईगो फंस रही होती है तो इसीलिए वो करना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं नो प्रेशर लाना बहुत जरूरी है. समटाइम्स सम प्रेशर इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. या सो दीज आर द 5 steps टू ब्रिंग चेंज इन आवर लाइव्स. इफ आई वॉन्ट अ न्यू ईयर न्यू मी सो दीज आर 5 steps विच आई शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट. एंड समटाइम्स चेंज कैन कम ऑल्सो बाई ग्रेस. ग्रेस
Life is a rat race. In a rat race, whether you win, whether you lose, you are still a rat. But a race can turn into grace. दोनों की स्पेलिंग में अंतर क्या है? जी. सो जी स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. यस, सो जी स्टैंड फॉर गॉड. सो गॉड्स प्रेजेंस कैन कन्वर्ट रेस इन टू ग्रेस. यस, तो इसलिए समटाइम गॉड्स ग्रेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल इज ऑफ कुब्जा. व्हेन कृष्णा रीच मथुरा, तो वहां पर एक लेडी है त्रिवक्रा कुब्जा. तो कुब्जा आई तो देखा कृष्ण बलराम, दे आर सो ब्यूटीफुल, दे आर सो हैंडसम. उसके पास चंदन था, विच शी यूज्ड टू अप्लाई ऑन द किंग्स ऑफ कंसास इन कंसास कोर्ट. तो ये जब देखा उन्होंने कृष्ण बलराम को, सो शी वाज अप्लाइंग चंदन ऑन बोथ ऑफ देम एंड शी वाज एडमायरिंग द ब्यूटी ऑफ कृष्ण बलराम. तो कृष्ण ने देखा कि ओ ये तो झुकी हुई है, शी इज हैविंग द हंच. तो भगवान श्री कृष्ण ने पहली कॉस्मेटिक सर्जरी की ओपन में विदाउट एनेस्थीसिया एंड फास्टेस्ट. भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, कुब्जा के पांव पे अपना पांव रखा, उसकी टोटी पकड़ गई, डन. शी वॉज सो ब्यूटिफुल, शी बिकेम सो ब्यूटिफुल, एज गुड एज गॉड एज अ फॉर्च्यून, लाइक लक्ष्मी, शी बिकेम सो ब्यूटिफुल. और ये हंस ये गायब हो गया. सो दिस चेंज हैपन बिकॉज ऑफ ग्रेस. ग्रेस, सो वी शुड सी ग्रेस. ग्रेस से लोगों की जिंदगी बदलती है, कृपा से. इट्स अ मैजिकल थिंग एक्चुअली. आप देखें बद्दुआएं और दुआएं में बहुत ताकत होती है. हमें कभी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, इवन एक आम व्यक्ति की भी. हम सोचे वो ठीक है किसी संत महात्मा की ना ले, लेकिन हम सोचे एक आम आदमी की भी ना, नो, वी शुड वेरी वेरी केयरफुल. सबकी दुआएं और बद्दुआएं काम करती हैं. हो सकता है थोड़े कम एक्सटेंट तक काम करें, बट ये काम करती हैं. एंड अल्टीमेटली ग्रेस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. सो ग्रेस कैन ब्रिंग दिस अल्टीमेट चेंज. सो वी शुड सीक ग्रेस सो दैट रेस would no more be a race, but a graceful way of growth by the power of grace. Like that. Okay, I'll stop here now. But thank you all very much. You were a very wonderful audience, very attentive, with rapt attention, all of you were listening. Thank you. Hare Krishna.